बुआ जी माँ कहाँ है? बाहर गई है लक्ष्मी, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? सब ठीक है? कहीं बाहर जा रही हो? हाँ वो दीदी के पास जा रही हूँ, वो बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। और मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर सौम्या ने काफी बड़ी साजिश रच डाली है, और इसी बीच यहाँ पर वो आदित्य को जलाने के लिए उसने इस बार मनन से शादी करने के लिए हामी भर दी, और इसी बीच यहाँ पर मनन को भी हमारी सौम्या काफी पसंद आ गई, और इस वजह से इस बार फाइनली इन दोनों का रिश्ता तय हो गया है। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई सौम्या डिनर पर इन्वाइटेड है मंगल के घर पर, ताकि मनन और सौम्या एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे को जान और समझ सके, और यहाँ पर ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। बुआ जी मैं आपको ये सब बाद में आकर बताती हूँ, अभी मुझे तुरंत जाना होगा। मैंने माँ को फोन ट्राई किया पर उन्होंने उठाया ही नहीं। आप प्लीज उनसे ये कह देंगे क्या कि खाना पूरा बन चुका है, बस धनिया डालना बाकी है और प्याज कट करके रखना, वो भी मैं आकर कर लूंगी। प्लीज आप बोल देंगे ना इतना। कहानी में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर सौम्या ट्रुथ एंड डेयर खेलने का प्लानिंग करती है, और सभी घर वाले मिलकर इस बार ट्रुथ एंड डेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहानी के आगे हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर सौम्या इस मौके का फायदा उठाती है और काफी ज्यादा शॉकिंग सवाल वो करने वाली है मंगल से, आदित्य से, और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो आदित्य से सवाल करती है कि वो मंगल से कितना प्यार करता है, और इसी बीच यहाँ पर कुसुम इस सवाल का जवाब देती है और कहती है कि हमारा बेटा अपनी मंगल से काफी ज्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पर सौम्या मंगल से सवाल करती है कि अगर क्या हो जब तुम्हारे पति पर कोई हाथ डाल दे या तुम्हारे पति को कोई तुमसे छीन लेते, यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगी हमारी मंगल, और कहती है कि शेरनी के मुंह में हाथ डालने जैसा हो जाएगा ये बात, और मैं कभी भी किसी को अपने पति और अपने सुहाग को छीनने नहीं। हाँ लक्ष्मी बोल दूंगी, यहाँ सब हो जाएगा, तुम जाओ जल्दी से। चल ठीक है बुआ जी, थैंक यू, मैं चलती हूँ। और ये लक्ष्मी कहाँ है? पता नहीं मैडम, देखी नहीं मुझे भी। भाभी पूजा की थाली तैयार कर दी है मैंने, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? लक्ष्मी ने सब रेडी कर दिया होगा ना? हाँ सब रेडी है, बस नमक देख कर डोंगी में निकालना है। नहीं दूंगी। तो वहीं आगे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुसुम ने इस बार डेयर दे डाला है हमारी सौम्या मैडम को, और वो कहती है कि तुम्हें मनन से अपनी शादी का हाथ मांगना होगा। और इसी बीच यहाँ पर हम देखने वाले कि सौम्या मनन के हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां देती है, और इसी के साथ हमारी सौम्या मैडम अपने घुटने पर बैठकर इस बार वो मनन का हाथ मांगने वाली है शादी के लिए, और कहती है कि जैसे ये फूल की पंखुड़ियां हैं ठीक इसी तरह मैं आपकी जिंदगी को महका दूंगी और मखमली ख्यालों से सजा डालूंगी। और ये सब देखकर हमारा आदित्य जो है काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा है, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा क्योंकि भाई वो अपनी सौम्या से काफी ज्यादा प्यार करता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में भाभी क्या हुआ? मैंने लक्ष्मी को भाग के जाते हुए देखा, रोककर पूछा कहाँ जा रही हो, तो कहा मंगल दीदी ने बुलाया और बस चली गई। आप ऐसे क्या देख रही हैं? उसे पूछ के नहीं गई क्या? हाँ कार्तिक ने परमिशन दी होगी। देखने वाले कि भाई यहाँ पर लाइट चली जाती है और इस मौके का फायदा सौम्या और आदित्य उठाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आदित्य जो है वो सौम्या से बातचीत करेगा और कहेगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, और यहाँ पर गुस्से में आकर इस बार आदित्य जो है हमारी सौम्या से शादी का पूछने लगेगा। जी हाँ इस बार आदित्य ऑफर रखता है सौम्या के सामने शादी का। अब आगे यहाँ पर सौम्या कुछ कहती है उससे पहले ही लाइट आ जाती है, और इसी बीच यहाँ पर कुसुम हमारी सौम्या को आदित्य के कमरे में देख लेती है और वो शॉक में आती है कि भाई आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। उससे सवाल जवाब भी करती है और वो कहती है कि वो अंधेरे में गलती से यहाँ पर आ गई। इसी के साथ आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि कुसुम को शक होता है सौम्या और आदित्य के रिश्ते पर, इस वजह से यहाँ पर कुसुम जो है बार बार आदित्य को कमरे में ढूंढती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा भी लग रहा था कि भाई फाइनली अब तो पता चल जाएगा आदित्य और सौम्या के बारे में, लेकिन अभी भी इस बार हमारी कुसुम जो है आदित्य और सौम्या को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाती। तो वही आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर सौम्या और मनन की शादी हो जाएगी, लेकिन क्या आदित्य इस बार इन दोनों की शादी को रोक पाता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।